आज युगवीणा लाइब्रेरी कैंट बोर्ड में बरेली के मशहूर चित्रकार श्री ए के चटर्जी की पेंटिंग्स का जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है उसका उद्घाटन करने आए बार काउंसिल बरेली के अध्यक्ष श्री घनश्याम शर्मा जी हमारे बीच में हैं और बराबर में जिनकी पेंटिंग्स यहाँ पर लाइब्रेरी में लगी हैं वो ऐसे मशहूर चित्रकार भी हमारे बीच में हैं। मैं इस अवसर पर श्री घनश्याम शर्मा जी से इन चित्रकारी के विषय में जो अभी उन्होंने पूरा निरीक्षण किया है और देखा है सराहा है इनके विषय में कुछ उद्गार उनके लेना चाहता हूँ प्रकाश 24 पर। जी दादा की चित्रकारी उनकी बौद्धिक क्षमता और सोच और कल्पना का अविस्मरणीय संगम है। दादा ने जो अपनी कल्पनाओं से चित्र उकेरे हैं उनमें जो सजीवता है और जो सौंदर्य है वो अभिनव है, अद्वितीय है। और दरअसल ये चित्रकारी बौद्धिक संपदा है, राष्ट्र की संपदा है। कला के ऐसे चितेरे जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हमारे मुझको तो मालूम ही नहीं था कि दादा ऐसे शानदार चित्र उकेरे और समाज को संदेश देते। जो संदेश साहित्यकार और तमाम लोग अपने पुस्तकों में अपने किसी भी माध्यम से नहीं दे पाते हैं, दादा ने उसको अपनी तुलिका से ऐसा सजीव संदेश दिया है। प्रकृति का वो ये प्रेम, ये सजीवता अद्वितीय है। मैं दादा को बार बार नमन करता हूँ, ऐसे हमारे दादा के चिरायु हों और समाज को ऐसे ही संदेश देते हैं। जी इस अवसर पर हम दादा के भी कुछ संस्मरण लेना चाहेंगे श्री चटर्जी। हमारे वकील साहब यहाँ पर आए हैं, मेनी मेनी थैंक्स। और इनको अच्छा ज्ञान भी है पेंटिंग के ऊपर, मैं इनके साथ घुमा हूँ तो काफ़ी मतलब चीज़ों को खुद ही एक्सप्लेन कर रहे थे और ये भी समझ रहे थे कि हाँ पेंटिंग एग्जीबिशन जो है लगनी सोसाइटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग आएं और समाज का रूप देखें, प्रकृति का रूप देखें तो उनके अंदर एक भावना पैदा होगी ताकि वो भी इस तरीके से काम करें। फिर मन को संतुलित करती है, मेन चीज़ ये है पेंटिंग जो है मन को बहकने नहीं देती है, वो स्थिर करती है। तो इसलिए मैंने बराबर अपने जीवन में बचपन से जब मैं 8th क्लास में था तब से मैं अपना एग्जीबिशन लगातार चला आ रहा हूँ और जब मैं शिक्षक रहा तब भी
कॉलेज के अंदर और बाहर मैं एग्जीबिशन बराबर लगाता रहा, और रिटायरमेंट के बाद आज मेरी 90 साल की एज हो गई है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ केवल किस लिए? ताकि समाज के अंदर चीज़ का प्रचार हो सके और बच्चे उसको देखें और समझें। धन्यवाद। मैं प्रीति चटर्जी, मैं अजीत कुमार चटर्जी के छोटे भाई की वाइफ हूँ, और दादा हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे, जो बच्चे के पास कोई पैसा या कुछ नहीं था, बहुत गरीब बच्चे थे, दादा ने उसको पढ़ाया। जो उसके लिए फैसिलिटी चाहिए सब दादा ने किया, और दादा उन बच्चों को बहुत दूर तक, मतलब एमए बीए तक ले गए, पूरा उसको क्वालिफिकेशन पूरा करवाया। और जो भी दादा के लिए मतलब बोला जाए वो बहुत कम। मैं डॉक्टर चटर्जी, इंचार्ज प्रिंसिपल आर्यदेव डिग्री कॉलेज टिशुआ बरेली। दादा हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं। मेरे माँ बाप की अनुपस्थिति में, जब मेरे माँ बाप एक्सपायर कर गए, उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया कि आज मैं एक डिग्री कॉलेज में अपॉइंटेड हूँ। जहाँ तक बच्चियों को ड्राइंग सिखाने का है, बहुत बच्चे उन्होंने बच्चियों को सिखाया, और यहाँ तक कि उनको इस लायक बना दिया कि वो जॉब कर सकें, और आज वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वो वर्क कर रही हैं वो लड़कियाँ। और जहाँ तक हो सके उन्होंने हमारे घर में जो उनके छोटे भाई बहन यानी मेरे बड़े ब्रदर सिस्टर सबको उन्होंने लुक आफ्टर किया, सबकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, और माँ बाप की सेवा तो उन्होंने की ही थी अपने समय पर। और आज भी वो हम लोगों को हर कदम पे ऐसी राह दिखाते हैं कि हम सही काम कर सकें। और अगर कॉलेज से आने में देर हो जाती है तो एक पेरेंट्स की तरह वो इस बात का अंदाज़ा लेते हैं कि भाई हमें देर क्यों हो गई, समय से हम क्यों नहीं कॉलेज आए। तो आज हमें माँ बाप नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं पारोमिता चटर्जी हूँ और मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ। दादाजी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है। वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, तो हम लोग सभी सोचते हैं कि उनसे पेंटिंग्स बनाना हम लोग सीखें। और उन्होंने बहुत सारी ऐसे उनके स्टूडेंट्स को बहुत सारी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाना सिखाए हैं, और आज वो लोग सभी एक अच्छे स्टेज पर है। और दादाजी तो बहुत ही, मतलब उनकी पेंटिंग से उनकी प्रकृति की तरफ उनका जो प्रेम और जो रिस्पेक्ट है वो शो करता है। और वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। जितने अच्छे वो बच्चों के साथ घुल मिल जाते हैं, उस सबसे वो बहुत प्यार करते हैं। और स्पेशली उनकी वो पेंटिंग की तरफ जो प्यार है, वो हमेशा अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाते थे, और आज वो 90 प्लस है और फिर भी उन्होंने अपना काम पर फोकस नहीं छोड़ा। इसी मतलब एज पे लोग सारे सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, आज भी मैं लोगों को कुछ शिक्षा दे सकती हूँ। और इसीलिए उन्होंने पूरा अपना समय पेंटिंग्स पर दिया रेस्ट करने की जगह, और इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग हमारे सामने उन्होंने आज पेश किया है। ये वाकई बहुत ही तारीफ, मतलब इंस्पिरेशन देता है हम लोग। श्री अजीत कुमार चटर्जी को मैं पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। मैं IVRM में एक रिटायर्ड वैज्ञानिक था, और मैं कोलाज पेंटिंग करता था, तो दादा के मार्गदर्शन से मैंने चित्रकला प्रदर्शनी लगाना शुरू किया। और जो कोलाज आर्ट पे बनाता हूँ, ये अखबार की रंगीन विज्ञापन के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके चित्र दिखाता हूँ और दृश्य प्रस्तुत करने की करता हूँ। भारतवर्ष में ऐसे चित्रकार केवल एक या दो हैं जो पुराने अखबारों के टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके चित्र बनाते हैं। दादा का के बारे में ये कहना तो एक मेरे लिए छोटे से दीपक का मामला है। दादा का जो सदा हुआ ब्रेन है और हाथ है, वो इतना परिपक्व है कि चित्र को प्रस्तुत करते समय वो बिल्कुल खो जाते हैं, और दर्शक जब उस चित्र को देखता है तो लगता है कि वास्तव में ये दृश्य हमारे सामने अंकित हो गया है। और इन दृश्यों का जो कलर का समावेशन है वो इतना महत्वपूर्ण है और दिमाग को शांति प्रदान करता है कि दर्शक देखते ही रह जाते हैं। दादा को चिरायु करें, मेरी यही कामना है, और वो स्वस्थ रहें। शर्मा है, मैं बाबा को
फाइव ईयर्स से जानता हूँ। जब मैं फाइव ईयर्स का था, बाबा बहुत अच्छे हैं, मुझे पेंटिंग करना सिखाते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। लाइफ में कैसे पेंटिंग बनाएं, नए नए आइडियाज़ देते हैं पेंटिंग बनाने का। सो आई लाइक बाबा। थैंक यू।